leads to question number 15 of exercise 14, that is area of triangles and quadrilaterals. Question number 15 is, if the area of an equilateral triangle is, friends, equilateral triangle वो triangle होता है जिसकी सारी sides equal होती हैं, right? उसका area दे रखा है हमें, area of equilateral triangle का area दे रखा है हमें 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? पहले उसके लिए साइड पता होनी चाहिए। साइड के लिए हम एरिया का फॉर्मूले से हम साइड निकाल लेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर, राइट फ्रेंड्स? ये हमें दे रखा है 36√3 इक्वल्स टू √3/4 ए स्क्वायर। अब a स्क्वायर अपनी जगह रहा, 36√3 अपनी जगह रहा, 4 मल्टीप्लाई में आ गया और √3 डिवाइड में आ गया। √3 से √3 कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया, 4 6 24, 2 कैरी, 4 3 12, 13 14। अब a स्क्वायर की वैल्यू 144 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 144। हमें पता है ये 12 का स्क्वायर, राइट फ्रेंड्स? तो 12 सेंटीमीटर क्या आ गई है, साइड आ गई है। अब हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर वी नो दैट सम ऑफ ऑल साइड, राइट फ्रेंड्स? सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो तीन साइड्स होती हैं तो तीन बार इसको ऐड कर देंगे, राइट? प्लस 12 तो ये कितना आ गया, 2 + 2 + 2 इज 6, 36 सेंटीमीटर इज द आंसर। Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.